हेलो स्टूडेंट्स, द सिलेक्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो तेजस से रिलेटेड है। अगर आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी तो आपको पता होगा तेजस फाइटर जेट के बारे में। तो तेजस जो है वो फाइटर जेट हमारा तो अब हमको यहाँ पर ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि वो क्रैश कैसे हुआ, उसका मैकेनिज्म एक अलग है, वो हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस नहीं रखता। लेकिन तेजस कहीं ना कहीं एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट है। इंडिजीनियसली डेवलप्ड का मतलब ये होता है कि भारत के द्वारा निर्मित एयरक्राफ्ट है। इंडिजीनियस मतलब कि भारत ने खुद इसे डेवलप किया हुआ है, भारत के द्वारा निर्मित एयरक्राफ्ट है, तो भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और जब से ये बनना तैयार हुआ था 2001 में इसकी नींव रख दी गई थी, 2001 के बाद से इसमें डेवलपमेंट का काम चालू रहा और उसके बाद से ये जब भी किसी भी चीज के लिए यूज किया गया कभी भी इसमें क्रैश जैसी समस्या नहीं आई। लेकिन इस बार जब बहुत ज्यादा जरूरी था, चूंकि अगर आपको पता होगा कि पोखरण में एक युद्धाभ्यास हो रहा है, पोखरण में एक भारत के द्वारा युद्धाभ्यास किया जा रहा है जिसका नाम है भारत शक्ति। ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है जिसमें कि भारत ने 20 से ज्यादा देशों को आमंत्रित किया है देखने के लिए कि हमारी क्षमता आप देखिए कि भारत में इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट या इंडिजीनियसली डेवलपमेंट जो भी हुआ है वो किस तरह से हुआ है और किस तरह से वो युद्ध में हमारी सहायता करने वाला है। ठीक है, तो यहां पर ये बहुत बड़ी बात हो गई कि भाई पोखरण में ऑलरेडी युद्धाभ्यास होना था, उसमें तेजस जाने वाला था और जाते जाते ही राजस्थान में ये इसका क्रैश हो जाता है। लेकिन देखिए, अब राजस्थान में क्रैश हुआ, कोई जनहानि हुई क्या, ये हमें जानना जरूरी है? तो नहीं, कोई जनहानि भी नहीं हुई और जो हमारे पायलट थे वो भी सक्सेसफुली उससे बाहर आ गए हैं। बेसिकली यहीं पे बात ये आती है कि यहाँ पर जो सेफ्टी फीचर्स हैं इसके वो बहुत अच्छे हैं। अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो तेजस के सेफ्टी फीचर्स यहाँ बहुत अच्छे रखे गए हैं ताकि समय आने पर जब भी जरूरत हो तो ये बहुत अच्छे से काम कर सके। ठीक है ना, आपको पता होगा जो हमने तेजस फाइटर जेट बनाया है वो MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए बनाया है। MiG-21 जो एयरक्राफ्ट है उसका हमने रखा हुआ है कि 2025 तक हम उसे रिटायर करने वाले हैं और उसकी जगह पर अब हम क्या यूज करेंगे, तेजस यूज करने वाले हैं। MiG-21 जो है वो हमने USSR से परचेज किए थे और ये भी कहीं ना कहीं इस तरह की एक टेक्नोलॉजी रखता था कि ये भी बहुत जल्दी क्रैश होने की इसमें भी दिक्कतें नहीं आती थी, लेकिन उससे सुपीरियर जो हमने तेजस बनाया हुआ है वो कहीं ना कहीं है। इसके बाद अगर आपने सुना होगा JF-17 के बारे में, जो कि पाकिस्तान द्वारा यूज किया जाता है, बोला जाता है कि ये भी कहीं ना कहीं तेजस के ही समकक्ष है। और ये जैसे कि तेजस एक फाइटर जेट बहुत अच्छे से काम करता है वैसे ये भी काम करता है, लेकिन सेफ्टी फीचर्स इसके भी बहुत अच्छे नहीं हैं। उसी की तरह एक आपने सुना होगा F-35 जो सबसे ज्यादा अच्छा फाइटर जेट माना जाता है USA का, ये आपको पता होना चाहिए। F-35 हमेशा बोला जाता है कि सबसे अच्छा एयरक्राफ्ट है USA का। ये 5th generation एयरक्राफ्ट है, इसके भी जेनरेशंस होते हैं, तो ये 5th generation एयरक्राफ्ट है जो कि USA के द्वारा डेवलप किया गया है। और यहाँ पर एक होता है कि एक इजेक्शन शीट्स जो होती हैं वो यूज की जाती हैं, तो यहाँ पर पायलट को बाहर निकालने के लिए जो इजेक्शन शीट्स यूज की जाती हैं, इजेक्शन शीट्स, वो एक बहुत फेमस कंपनी डेवलप करती है और उसी कंपनी ने ही तेजस के इजेक्शन शीट्स को भी डेवलप करने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी किससे रख रहे हैं, F-35 से रख रहे हैं। लेकिन फिर भी ये F-35 के जो सेफ्टी फीचर्स हैं, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर एक सेफ्टी रिकॉर्ड कैसा रहा है, तो F-35 भी बहुत बार क्रैश हुआ है, लेकिन पहली दफे ही हुआ है जब हमारा तेजस जो है वो क्रैश हुआ है। लेकिन उसके बाद भी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो भी पायलट है उसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो वो नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ है। तो इसको हम एक ड्रॉबैक की तरह नहीं कंसीडर करेंगे, हम इसको ऐसा कंसीडर करेंगे कि हाँ, हमें ये भी पता चल गया कि अगर ऐसी स्थिति आती है, कभी अगर एयरक्राफ्ट क्रैश होने वाला रहता है तो क्या पायलट को नुकसान होगा? तो नहीं, यहाँ पर पायलट को कोई नुकसान नहीं होगा, वो इजीली जो हमने सेफ्टी फीचर्स लगाए हुए हैं, सेफ्टी शीट्स लगाई हुई हैं, उसके थ्रू इजीली बाहर आ सकता है। तो ये पूरा किस्सा था तेजस फाइटर जेट के बारे में। आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा, देखिए हालांकि है तो बहुत अच्छी नई न्यूज ये, लेकिन फिर भी कभी ना कभी देखिए, अगर
कोई चीज बिल्कुल एक सक्सेस की ओर बढ़ रही है बढ़ रही है, तो बीच में कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक्स उसमें लगना जरूरी हो जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर इस तरह से हम ये भी मान सकते हैं कि ये एक अच्छा ड्रॉबैक था, जिससे कि हमें पता चल गया है कि हमारी क्षमताएं और कितनी ज्यादा हैं, कि अगर कभी ये क्रैश होता है तो और क्या हो सकता है। अगर आप लोगों को पता होगा कि अभी रिसेंटली भारत ने एक AMCA भी साइन किया हुआ है, AMCA के तहत भारत अब फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने जा रहा है, फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स ये भी बनाने जा रहा है भारत AMCA के तहत, ठीक है ना। ये भी बहुत जल्दी भारत बनाने जा रहा है। और AMCA क्या है यहां पर, ये एक एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने का काम करता है, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये जितने भी बनाए जाएंगे अब फिफ्थ जनरेशन बनाए जाएंगे, भारत में अभी तक 4.5 के बना चुके हैं हम, 4.5 जनरेशन के बना चुके हैं, लेकिन अब हम कौन सा बनाने वाले हैं, अब हम फिफ्थ जनरेशन का बनाने वाले हैं। इंडिया ने, अगर मैं बात करूं कि एक राफेल परचेज किया था, अगर आपको पता होगा तो वो हमने कहां से परचेज करते हैं, इंडिया राफेल कहां से परचेज करता है, ये हम परचेज करते हैं फ्रांस से। तो फ्रांस हमें ये 4.5 जनरेशन का बना के तो देता है, लेकिन फिर भी अब देखिए किसी कोई हमको कोई चीज बनाकर देगा तो वो बनाएगा फिर हमारे पास भेजेगा, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है और हम कहीं ना कहीं उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। चूंकि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं और इस समय पर हम डिफेंस में बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, अगर आपने बजट भी देखा होगा तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि हमने किस तरह से डिफेंस में बहुत ज्यादा खर्च किया है इस साल, तो कहीं ना कहीं उसी की तर्ज पर AMCA काम करने वाला है जो कि फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने वाला है। अभी तक कितने देशों के पास फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, तो अभी तक मात्र 3 देश ऐसे हैं जिनके पास AMCA के तहत एयरक्राफ्ट अवेलेबल है फिफ्थ जनरेशन के, एक है हमारा USA, एक है रशिया और एक है चाइना। अब इसके बाद इंडिया जो है वो फोर्थ नंबर का देश बन जाएगा जो कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरजेट्स अपने पास रखने वाला है, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं भारत बहुत समय से इस पे काम कर रहा है। अगर मैं AMCA की बात करूं तो 2007 से भारत ने इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया हुआ है, और तेजस को मैंने आपको बताया था कि 2001 से हमने काम करना चालू कर दिया था। तो बाय द टाइम धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो फाइटर जेट्स होते हैं उनकी मदद से हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर कभी युद्ध होते हैं तो उनमें उनको टैकल करना। अगर मैं बात करूं चाइना की, तो आपको पता होगा कि चाइना के पास भी बहुत अच्छे फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। तो ये जो फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट जो चाइना के पास अवेलेबल हैं, वो अगर मैं उनकी संख्या की बात करूं तो वो संख्या अगर आप देखेंगे तो कम से कम 210 से 260 एयरक्राफ्ट्स हैं उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल। और जैसा कि मैंने बोला कि हम राफेल परचेज करते हैं फ्रांस से, ये 4.5 जनरेशन का है लेकिन फिफ्थ जनरेशन वाले को इजीली टैकल कर लेता है, लेकिन फिर भी इनकी संख्या अगर मैं बताऊं तो मात्र 36 है भारत के पास ही। तो देखिए कितनी कम संख्या है। अभी देखिए चाइना अगर कभी युद्ध करेगा तो पूरे 210 तो हमारे पास भेज नहीं देगा, लेकिन फिर भी गिरी से गिरी हालत में भी अगर ये 50 भी भेज देता है तो भी आंकड़ा देखिए कितना कम है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को कम करने के लिए, इन आंकड़ों को कम करने के लिए हमारे को जरूरत है कि हम इंडिजिनसली कुछ ऐसी चीज डेवलप करें जो कि भारत की ही हो, जिसमें हमको टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ना लगे, कॉस्टली ना लगे और भारत आत्मनिर्भर बन जाए। तो आत्मनिर्भरता की ओर ही ये कदम उठाया गया है और फाइटर जेट जो हमारा है तेजस, वो भी कहीं ना कहीं भारत की आत्मनिर्भरता को ही शो करता है। पोखरण में इसीलिए युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, भारत शक्ति जो बता रहा है कि भारत अब किस तरह की शक्ति बन गया है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, सारी चीजें समझ में आई हो। इस तरह के और वीडियोस के लिए आप द सिलेक्शन क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हम बहुत अच्छी अच्छी सीरीज लेकर आ रहे हैं आपके लिए, ताकि UPSC में इस बार आपका सिलेक्शन जरूर से हो। थैंक यू सो मच।